सोचा था कि यार ब्लू व्हेल गेम पर चर्चा करूं, परंतु ब्लू व्हेल गेम की चर्चा मैंने भाई साहब जान करके विलोपित कर दी। इसलिए विलोपित कर दी क्योंकि आप और मैं ही हैं जो ब्लू व्हेल गेम की इतनी बातें कर करके उसको इतना प्रचारित कर दी कि घर घर में बातें होने लगी ब्लू व्हेल गेम की। ब्लू व्हेल गेम जो है इतना ज्यादा प्रचारित हो गया कि दंतेवाड़ा जो दूरस्थ इलाका कहलाता है, जो हमारा नक्सल प्रभावित इलाका कहलाता है, जहां वहां के ग्रामीण बच्चे जो है वहां पे सरकार ने 14 ऐसे बच्चों को छांटा जो कि ब्लू व्हेल गेम खेल रहे थे। उनमें से कई बच्चों ने अपने हाथों में जो आखिरी स्टेज है ब्लू व्हेल गेम की उसका गोदना बना लिया था। तो आप इस तरह की बातें जो है एक प्रकार से काउंसलिंग करके, एक प्रकार से अपने बच्चों को समझा के, और ब्लू व्हेल गेम का व्हाट्सएप में बहुत अच्छा वीडियो भी आया जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ब्लू व्हेल गेम से हम किस प्रकार से अपने बच्चों को, अपने युवाओं को समझाई दे सकते हैं, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं से मानसिक अवसाद में, ये वही बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं से किसी प्रकार के दबाव में है, जिनको या तो माँ बाप या हमारी जो भाई बहन है वो कुछ ना कुछ अनदेखी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह के कई गेम इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। इस तरह के ब्लू व्हेल गेम पहला नहीं है, इस प्रकार के गेम पहले भी आ चुके हैं, परंतु आप देखेंगे कि ब्लू व्हेल गेम की जब से चर्चा हुई 3 महीने हो गए मेरे ख्याल से, उसके बाद से भारत में भी आत्महत्या के मामले आए, मध्य प्रदेश के इंदौर भोपाल में इस तरह के कुछ मामले आए कि ब्लू व्हेल गेम के चक्कर में युवाओं ने किया, रायपुर के छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का मामला मैंने आपको बताया कि 14-15 बच्चे जो हैं उनको स्कूल प्रशासन ने आइडेंटिफाइड किया और किस प्रकार से ब्लू व्हेल गेम खेल रहे थे, अपनी तस्वीरें व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से आदान प्रदान कर रहे थे। तो देखिए आपको खुद फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन सी जानकारी उचित है, कौन सी जानकारी अनुचित है। उचित जानकारी है उसको आप अपने पास रखिए, जैसा कि उचित जानकारी यही हो सकती है जन समस्या, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, आपके कुछ व्यक्तिगत समस्या, सड़क नाली की समस्या, जो है सूखे की समस्या, इस तरह की जानकारी तो वायरल करिए, परंतु इस तरह के जो जो साजिशें हैं, अफवाह हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि कई प्रकार के जो मेमार के वीडियो हैं सोशल मीडिया में है डाल के लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं कि ये भारत में ऐसा हो रहा है, खास समुदाय के साथ ऐसा हो रहा है, तो इस तरह की चीजों से बचिए। ब्लू व्हेल गेम जो है उसको दुष्प्रचारित प्रचारित करने वाले आप और मैं ही लोग हैं, और आप और मैं ही इस चीज से बच सकते थे, परंतु हम ही लोगों ने, खासकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपनी जिम्मेदारी इसमें समझी नहीं और ब्लू व्हेल गेम को एक प्रकार से पूरी तरह प्रचारित किया। और वो आज जो ब्लू व्हेल गेम अमेरिका तक सीमित था, रशिया से चला, उसके बाद अमेरिका में इसका प्रचार प्रसार हुआ और लगभग विश्व भर में 300 बच्चे जो है, निरीह मासूम बच्चे जो थे वो आत्महत्या कर चुके हैं। इस गेम को चलाने वाला जो व्यक्ति था वो जेल में, 22 वर्षीय युवा ने इसको, रशियन युवा ने बनाया था, वो आज जेल में है, परंतु उसके जेल में होने का भी कोई परिणाम नहीं निकला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, साथ साथ सोशल मीडिया ने उसको घर घर तक पहुंचा दिया। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से के 50 किलोमीटर दूर महासमुंद जिले में बैठ के ब्लू व्हेल गेम की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा मैं दुर्भाग्य क्या समझूंगा। इसके जिम्मेदार भी सोशल मीडिया और आप और नहीं है कि कहीं ना कहीं से हम लोगों ने इसको प्रचारित किया। तो हम इस तरह के दुष्परिणाम से, दुष्प्रचार से बचिए, यही मैं आप लोगों से निवेदन कर सकता हूँ।